तो ये हमारा दही तड़का बन के तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही तड़का की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दही तड़का बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां और 3 से 4 सूखी मिर्च, आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक मीडियम साइज का प्याज और हरी धनिया हमने लिया है। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और दही हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास लिया है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फ्राई पैन लिया, उसमें तेल डाला है। तेल इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगे, टेस्टी लगे। तो अब हम सूखी मिर्च के टुकड़ों को डालेंगे। 2 हमने साबुत मिर्च के टुकड़े डाले हैं। उसके बाद फिर इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद खड़ा जीरा इसमें ऐड करेंगे हम, फिर लहसुन। लहसुन को हमने बारीक बारीक काट लिया था इसे, और उसके बाद हमने एक प्याज को जो बारीक बारीक टुकड़ों में जो काटा था उसे हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और इन सबको अच्छे से बिल्कुल धीमे फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जलने ना पाए। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं हो तो टमाटर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और इसे थोड़ी सी और ब्राउन करना है हमें। तो ये देखिए हमारा ये लगभग भुन चुका है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने फ्राई किया है। अब हम इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे फ्राई पैन, जब तक ठंडा होता है। तो ये देखिए हमारा फ्राई पैन ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें दही डालेंगे। आप चाहे तो दही को पका भी सकते हैं, लेकिन उसका स्वाद अलग आएगा, लेकिन इसका स्वाद उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगेगा। तो ये देखिए हमने दही डाला है, उसके बाद काला नमक और ये जीरा पाउडर हमने जो भुना हुआ पाउडर बनाया था, और ये धनिया पाउडर, और इन सबको दे के हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। ध्यान रहे कि फ्राई पैन हमारा बिल्कुल ठंडा हो, नहीं तो फिर ये इतना अच्छा टेस्ट इसमें आएगा नहीं। तो इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा फाइनली मिल चुका है। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। उसके लिए हमने एक बॉल लिया है, छोटी सी बॉल, और उसमें हम निकालेंगे। ये देखिए इसका आप टेक्सचर देखिए, इस प्रकार से हम इसका थिकनेस रखेंगे। और आपकी दही ज़्यादा गाढ़ी हो थोड़ी सी पानी ऐड कर सकते हो उसमें। तो है ना बिल्कुल फ्रेंड्स। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने ज़ीरा पाउडर जो हमने भुना था उसको थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे, और जो मिर्ची हमने 2 साबुत मिर्ची डाला था उसको ऊपर करके गार्निश कर दिया है, और थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए हमारा फाइनली बन के तैयार है फ्रेंड्स, दही तड़का की रेसिपी। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं अपने घर पे, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।